गाजीपुर से किरण नाय वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। जनसेवक ने किया जनता को जागरूक। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन कार्यक्रम के संबंध में एसपी ने किया जागरूक। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के जूही मैरिज हॉल आदिलाबाद में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा आज मिशन शक्ति के तहत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों गांव की महिलाओं तथा बालिकाओं एएनएम आशा कार्यकर्त्री बीसी सखी तथा थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रहरियों को मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बच्चियों एवं महिलाओं को उनके प्रति होने वाले किसी भी अपराध एवं संबंधित अपराधियों के बारे में तत्काल पुलिस एवं शक्ति मित्र महिला पुलिस कर्मियों को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने छात्राओं एवं महिलाओं को महिला संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जैसे 1090107610811112102 और 108 के बारे में विस्तार से बताया तथा उन्हें ये भी बताया कि इन नंबरों पर आपकी शिकायत सुनने के लिए महिला कर्मी को ही नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा वहां उपस्थित महिलाओं से उनकी विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया तथा उसके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एसडीएम मोहम्मदाबाद क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद मोहम्मदाबाद सकिल के सभी थाना अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। ये मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के संबंध में हमारी जो शक्ति दीदी हैं, जो महिला बीट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका जो ग्राम स्तरीय विभिन्न विभागों से संबंधित हमारी सरकारी कर्मी हैं, इन सब का समन्वय। और इसके साथ साथ इस समय आप लोगों को विदित होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो ग्रामीण विकास विभाग है, उसके द्वारा सभी प्रधानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से शहर और कस्बे सीसीटीवी से आच्छादित हैं, उसी तरह से सभी गाँव को भी सीसीटीवी लगा के आच्छादित किया जाए। और उसी में, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे पूरे मोहम्मदाबाद तहसील के जनप्रतिनिधि लोग आए थे, उन सबसे भी आह्वान किया है कि शासनादेश के क्रम में अपने अपने गांव में स्ट्रेटेजिक लोकेशन में कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और उसमें हमारे थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी इनका भी टेक्निकल सहयोग ले सकते हैं वो लोकेशंस के लिए और कहाँ ज़्यादा प्रभावी होगा सीसीटीवी इसके लिए। मिशन शक्ति का मेन लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य है आधी आबादी जो हमारे देश की है उसको हर उनके निर्णय लेने की क्षमता में और ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जहां पर वो अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रख सकें। और दूसरा ये है कि मुख्य रूप से इसका फोकस है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। अक्सर ये पहले, आज से 5-6 साल पहले ये आरोप लगते रहते थे, बच्चियां अगर स्कूल जाती थी, महिलाएं अपने कार्यस्थल पर जाती थी, तो इस तरह की शिकायत आती थी कि भक्तियां कसना, छेड़खानी करना। इसके लिए जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में 2017 में सरकार का गठन हुआ है, तब से लगातार ये मुहिम चल रही है। आप लोग देखते ही हैं हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड पूरे जनपद में ऐसी जगह जहां महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है वहां सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सभी थानों पे महिला हेल्प डेस्क है। आज की तारीख में अगर किसी महिला के साथ कहीं कोई अपराध घटित भी होता है तो उसकी पीड़ा सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए हर पुलिस स्टेशन पे महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं। वो उनसे बात करती हैं, उनका निराकरण करती हैं और उनके अंदर एक, उनको देख के एक ऐसा एहसास भी होता है पीड़ित महिला में कि वो भी आगे चल के अगर उसे भी अवसर मिलेगा तो वो भी सशक्त हो सकती है और मेन स्ट्रीम में रह के अपना अपने निर्णय खुद ले सकती है। धन्यवाद।